हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार पांडे और एडुप्लांट में आप सभी का स्वागत है। मैं एक टीचर एजुकेटर हूं और मैं आप लोगों के लिए 10 वैसे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो कि टीचिंग जॉब इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। इस वीडियो में प्रश्नों के साथ साथ उनके संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं इसकी भी चर्चा की गई है। इस वीडियो में बताए गए 10 फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस सिर्फ फ्रेशर्स के लिए अति उपयोगी नहीं है, बल्कि वैसे भी कैंडिडेट जो जॉब को स्विच करते हैं, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हैं और वहां पर उनको जब इंटरव्यू फेस करना होता है, वैसे कैंडिडेट्स के लिए भी यह उपयोगी है। आज मैं बात करने जा रहा हूं टीचिंग जॉब को लेकर के फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस जो होते हैं उसके बारे में। आज मैं आप लोगों के सामने 10 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो कि टीचिंग जॉब से रिलेटेड है। ये वैसे क्वेश्चंस हैं जो टीचिंग जॉब के इंटरव्यू में लगभग पूछे ही जाते हैं। सो वी हैव 10 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। नाउ द नंबर वन इज दैट प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब इसको इंट्रोड्यूस कैसे करना है, इसकी तैयारी आपके पास पहले से होनी चाहिए, इस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। कभी नाम बता रहे हैं, कभी क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, कभी फैमिली बैकग्राउंड बता रहे हैं, कभी कुछ, ये बिल्कुल सीक्वेंस में होना चाहिए और ये प्रैक्टिस्ड होना चाहिए एक दो बार, ताकि आपको जब बोला जाए इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो बहुत ही पॉजिटिवली कंसाइज फॉर्म में आप उसको सीक्वेंसल प्रॉपर सीक्वेंस में सामने रख पाए। नंबर टू इज व्हाई डिड यू चूज दिस प्रोफेशन। आपने टीचिंग प्रोफेशन को क्यों चूज किया, तो आप बता देंगे कि टीचर जो है वो थ्रू आउट द लाइफ ही इज अ लर्नर ऑल्सो। यहां पर सीखने को मिलता है हमें, हम बच्चों से बहुत जुड़ सकते हैं। ये जो रटी रटाए क्वेश्चंस के आंसर है ना, ये आंसर्स आपको नहीं बोलना है, ये बहुत पुराना हो चुका है और सबको पता है कि आपका ये जवाब कहीं गूगल से या कहीं से लिया हुआ है। सो ऐसे जवाब ने आप अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से आपने जो एक्सपीरियंस किया है उस पर बेस्ड आप अपने आंसर्स तैयार करें। ओके, नंबर थर्ड से एनी 5 क्वालिटीज ऑफ अ टीचर। अब टीचर के 5 क्वालिटीज कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आप बताइए। हो सकता है कि आप जिन 5 क्वालिटीज को इंपॉर्टेंट सोचते हैं दूसरे लोग कुछ और 5 को इंपॉर्टेंट समझते हैं। सो आप ये इंश्योर करिए कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 5 क्वालिटीज, तो वो 5 क्वालिटीज पहले से आपके तैयार होने चाहिए कि कौन से 5 क्वालिटीज आप वहां पर बोलेंगे और जिसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट समझते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट और दैट कॉन्सेप्ट। अभी देखेंगे ध्यान से, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि ये बातें क्या होती है, और ये कॉन्सेप्ट आपको 3 फील्ड से पूछे जा सकते हैं। प्रोफेशनल, ये आपके प्रोफेशन से रिलेटेड टर्म हो सकता है, या फिर स्किल से रिलेटेड टर्म हो सकता है, या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड टर्म हो सकता है। तो प्रोफेशन या पेडागोगी या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ स्किल्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई ये होता क्या है। जैसे कि प्रैग्मेटिज्म क्या है आप बता सकते हैं, या कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है आप बता सकते हैं। अच्छा, पैवलव की थियोरी आप बताएंगे, पियाजे ने क्या कहा है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो ऐसे भी आपको तैयार होना। और सब्जेक्ट को लेकर के, सब्जेक्ट को लेकर के क्या है कि आपको मास्टरी प्राप्त करनी है। सब्जेक्ट रिलेटेड अगर कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाता है तो आप बिल्कुल भी ना चूकें और इसकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करके जाएं, क्योंकि अगर सब्जेक्ट रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप तय मानिए कि ऐसे टीचर्स का सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, और वैसा टीचर फिर बनेगा भी कैसे अगर उसको अपने सब्जेक्ट का मतलब अपने सब्जेक्ट के बारे में ही नहीं पता, कोई कॉन्सेप्ट पता नहीं है। सो आप अपने आप को रिफाइन करिए, अपने आप को स्किल्ड करिए और नॉलेज गेन करिए। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहां से आप अपने नॉलेज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाई डू यू वांट टू टीच एट दिस स्कूल। आप इसी स्कूल में क्यों पढ़ाना चाहते हैं। तो वैसे पढ़ाना तो भाई हम किसी भी स्कूल में चाहते हैं, जहां पर सिलेक्शन हो जाए वहीं पर पढ़ा देंगे भाई। एक इस स्कूल में थोड़े ना मैंने रिज्यूमे दिया और इंटरव्यू, हम तो 10-15-20 स्कूल में दे करके आए हैं सर, जहां भी सेलेक्शन हो जाए वहीं पर हम पढ़ा लेंगे। लेकिन जवाब में ये नहीं देना है, हमें उस स्कूल के बारे में कुछ पॉजिटिव बातों का पता लगा लेना है, या फिर वैसे जनरलाइज जो बातें होती है जो हर एक स्कूल में होता है कि सर यहाँ पर की प्रिंसिपल अच्छी है, या फिर यहाँ पर बच्चे बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, इस स्कूल में डिसिप्लिन पर ज़्यादा जोर दिया गया है,
यहाँ पर आईसीटी है, जो भी आपको लगता है कि उस स्कूल के बारे में कुछ पॉजिटिव 4-5 बातें हैं वो ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। तो वो ये पूछेंगे कि आप इसी स्कूल में क्यों पढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट कैन यू ब्रिंग टू आवर स्कूल, कि आप हमारे स्कूल के लिए क्या लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे मतलब क्या देंगे, क्या कुछ ऐड करेंगे। तो आप बताइए कि आपके पास को करिकुलर एक्टिविटीज है, को करिकुलर एक्टिविटीज के अलावा आपका कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छा है, रेमेडियल क्लास, या फिर आपका जो कुछ कल्चरल इवेंट्स होते हैं, कुछ गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, वो आप एड ऑन करेंगे, तो आप क्या कुछ और ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा में। या फिर अगर आपकी स्पीकिंग अच्छी है हिंदी में या इंग्लिश में, तो आप कह सकते हैं कि हमको एक क्लब स्थापित कर देंगे सर, आपका यहाँ पर लिटरेचर क्लब हम स्थापित कर देंगे, उसमें से हमारा थोड़ा सा पब्लिकेशंस वगैरह भी हुआ और मुझे एडिटिंग वगैरह का आइडिया है। सो एक दो बातें आप सोच लें कि आप क्या कुछ ऐड कर सकते हैं जो कि उस स्कूल में नहीं चल रहा हो और आप दे सकते हैं, या फिर चल भी रहा हो तो उसमें आप कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हाउ विल यू हैंडल वीक स्टूडेंट्स, या जो नोटोरियस स्टूडेंट्स हैं या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, तो जो नॉर्मलसी से हट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको आप कैसे हैंडल करेंगे, ये जरा वो आपसे सुनना चाहते हैं। हैंडल तो करेंगे, पूरे स्कूल को मिलकर हैंडल करना पड़ता है, आपको क्या पता है इस बारे में कि ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल किया जाता है, नोटोरियस बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उसको क्या करेंगे, वीक स्टूडेंट्स है उसके लिए आप क्या करेंगे। तो आप इन बच्चों को हैंडल कैसे कर सकते हैं इसकी भी तैयारी करके जाएं। नेक्स्ट वन इज हाउ विल यू इवेल्युएट स्टूडेंट्स या योरसेल्फ, आप बच्चों को कैसे इवेल्युएट करेंगे, हाउ विल यू इवेल्युएट योरसेल्फ और स्टूडेंट्स, कि आप अपने आप को कैसे मूल्यांकन करेंगे अपना, या फिर बच्चों का मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे। तो जो कुछ भी आप पढ़ाते हैं आप बताइए, अचीवमेंट टेस्ट होता है, अलग अलग जो वीकली टेस्ट होता है, क्लासरूम टेस्ट होता है, ओरल टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट के बारे में आप बताएं और दिखाएं वहां पर कि आपको इवेल्युएट करना भी आता है, पढ़ाने के अलावा इवेल्युएट करना भी आता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है, कि आपके कुछ कमजोरियां और आपके कुछ ताकत जो शक्तियां हैं उसके बारे में बताएं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हाँ, तो आपके कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेस, आप पहले से सोच करके जाएं कि आपके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या क्या वीकनेस है। तो 5 स्ट्रेंथ और 2 वीकनेस बता दीजिए, ठीक है, कि मोबाइल पर सर मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करता हूं, ऐसा मत बोलिएगा। तो उसमें से 5 स्ट्रेंथ और 1-2 वीकनेस बता दीजिए, बी वेरी फ्रैंक देयर। और लास्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो है कितना लोगे, कभी कभी पूछा भी जाता है, कभी कभी नहीं भी पूछा जाता है, तो कितना लोगे बोल दो। 5,000 लेंगे सर, 5,000। तो ये सब 5,000 नहीं बोलना है, बोले लो अपना, तुम वही 5,000 ही आंकते हो अपने आप को, बोलो कि जो नॉर्म्स चल रहे हैं ना अभी, वो नहीं है टाइम की 5,000 और 7,000 में मोबाइल ही तो रिचार्ज करना हमारा तो खर्च ही नहीं है। यू आर मच्योर ग्रोन अप एडल्ट्स, तो आप 5,000 और 7,000 नहीं, पूरा जो नॉर्म्स है या स्कूल जो पे कर रही है, जो पीजीटी या टीजीटी का जो स्केल होता है उतना बोला करो, 30,000 या 35,000 जो फ्रेशर्स के होते हैं, 25,000 आज के टाइम में, 2020 के टाइम में अगर मैं बात करूं, तो कितना भी आप फ्रेशर हो, ठीक है, और स्कूल अगर थोड़ा स्टैंडर्ड एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है तो आपके 20,000 से कम नहीं होने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि हम नॉर्मल स्कूल से नीचे वाले स्कूल में ही पढ़ा सकते हैं, तो आपका 15,000 से नीचे नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, आप बहुत अच्छे स्कूल में जाओगे तो वो खुद ही 30,000 देंगे, और अगर आपको लगता है कि भाई मैंने अपने अपने अंदर न स्किल डेवलप किया है ना नॉलेज डेवलप किया है, तो पढ़ा लो 10,000 में, 5,000 में, 7,000 में। सो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अपने आप को ना बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिए, बी गुड टीचर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, और अपने दोस्त, खास करके वे लोग जो टीचिंग जॉब में जाने वाले हैं या फिर टीचिंग जॉब में ही हैं, उनके साथ इसे अवश्य शेयर करें। Thanks for watching our videos.